अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में शादोआबाद होंगे। जी व्यूअर्स, आज मैं आपको रेसिपी नहीं बता रही, आज मैं बिगनर्स के लिए, जो बच्चियाँ जो है अभी सीख रही हैं किचन के काम, उनके लिए मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें हम दूध से बलाई कैसे उतारेंगे, उसको कैसे स्टोर करेंगे और फिर उसे मक्खन निकालेंगे और फिर उसे देसी घी बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको हमने फॉलो करना है, तो हमारा जो देसी घी है वो बहुत ही खुशबूदार दानेदार सा बन के तैयार होगा। तो यहाँ मैंने 1 किलो दूध लिया है, जो हमारा फुल क्रीम मिल्क हम लोग मार्केट से लेते हैं, किसी भी शॉप से लेते हैं, उसको मैंने बॉईल किया है। उसके बाद उसको हल्की आंच पे मैंने जो है वो 5 मिनट के लिए उसको मजीद जो है वो गाढ़ लिया है। तो उसको रूम टेम्परेचर पे पहले हम ठंडा करेंगे अच्छी तरह, उसके बाद इसको फ्रिज में जो है वो 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। तो उसके ऊपर आप ये चेक करें, इतनी अच्छी लेयर जो है वो बलाई की आ जाएगी। अपने इसको उतार लेना है और किसी बर्तन में डाल के इसको फ्रीजर में रखेंगे। आप चाहें तो किसी छाननी से या किसी चम्मच से या इवन हाथ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ये ऐसे निकाल के जहां मैं बाउल में डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसके साथ अगर दूध भी चला जाए तो कोई भी इशू नहीं है इसका। आपने ये अच्छे से जो है इसको उतार लेनी है। चलिए जी, मलाई मैंने अच्छी तरह उतार ली है, इसको करते हैं साइड पे। अब मैं आपको देखूँ इस बाउल में जो है ये मैंने सारी जो है वो डाल ली है, क्योंकि एक माँ की जो है, एक माँ मैंने इसको जो है वो डेली जो दूध आता है उससे मलाई उतार के ऐसे इसको स्टोर करती रही हूँ। अब हमने इसको मैंने फ्रीजर से निकाला है, आपने भी जब मलाई स्टोर करनी है तो इसको फ्रीजर में रखना है। तो मैंने इसको आधा घंटा पहले जो है वो फ्रीजर से निकाल दिया था, ये सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको किसी बर्तन में डाल लेंगे। जी विवर्स, यहाँ हमने एक बड़ा बर्तन लेना है जो खुला हो, मलाई के हिसाब से थोड़ा खुला हो, ताकि इसमें हमने जो है जाग लगाना है मलाई को, मलाई सारी इसमें हमने ऐड कर देनी है। बर्तन को अच्छी तरह आप हाथ से बेशक साफ कर लें इसको, ताकि अच्छी तरह मलाई हमारी इस बर्तन में आ जाए। अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसको जाग लगाएंगे। जाग लगाने के लिए मैंने यहाँ पे दही लिया है, दही खट्टा हो तो भी बेहतर है, अगर खट्टा नहीं भी है तो भी कोई इश्यू नहीं। अगर आपके पास दही अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें लस्सी भी ऐड कर सकते हैं। इसको हमने डाल देना है और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब क्योंकि गर्मियां हैं इसलिए इसको ज्यादा टाइम तक जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे, अगर सर्दियां हो तो आप इसको ओवरनाइट छोड़ सकते हैं ऐसे जाग लगा के। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के बाद जो है को कवर कर देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। जी व्यूअर्स, 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, इसको चेक करते हैं, इसकी पोजीशन इस टाइम ऐसी है, अच्छी तरह मेल्ट हो गया, फ्लफी सा ये मलाई हो चुकी है। अब हम इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि गर्मी है इसलिए ठंडा पानी ऐड करेंगे, अगर सर्दियां हैं तो फिर हम इस नॉर्मल वाटर इसमें डालेंगे। 1 से 2 गिलास इसमें हम डालेंगे ताकि इसका पेस्ट जो है वो बारीक हो जाए, पतला हो जाए थोड़ा। अब ये मार्केट से आम मिलती है मदानी, इसको हम लोग पंजाबी जुबान में बोलते हैं, तो इसको अब हम इसमें चलाएंगे जब तक हमारा ये जो मक्खन है वो ऊपर नहीं आ जाता। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें हम पानी भी ऐड करेंगे, ठंडा पानी ही इसमें डालेंगे। ये काम मेहनत तलब है, तो ये आपने आराम से तसल्ली से सबर से करना है, उसके बाद ही मक्खन इसके ऊपर आएगा। कुछ 5 मिनट हो गए हैं मुझे ऐसे ही चलाते हुए मदानी को, तो इसका पेस्ट जो है वो थिक हो गया है और मदानी चल नहीं रही है, तो इसमें मैं मजीद थोड़ा सा 1 गिलास पानी और ऐड करूंगी। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा मक्खन जो है ना वो रेडी हो चुका है, बस आने ही वाले, काफी हद तक ये कंप्लीट हो चुका है। मजीद हम इसमें 5 मिनट तक के लिए चलाएंगे, उसके बाद फिर इसमें हम आइस डालेंगे, बर्फ जो होती है फ्रीजर से निकाल के उसके पीसेस करेंगे, वो इसमें ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, अब इसको आप माशाल्लाह से चेक करें, लस्सी और जो मक्खन है ना वो अलहदा हो चुका है,
और ये आप देख रहे हैं इसकी पोजीशन इस टाइम ऐसी है। इस कंडीशन पे जो है ये हमारा मक्खन तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें आइस डाल ली है, बड़े पीसेस ले लें हम। ऊपर डालने का मकसद यहाँ पे यही है कि ये मक्खन हमारा जो है वो जुड़ते हैं आपस में, थोड़ी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ज्यादा हो जाए तो फिर ये हम इसमें से निकाल लें। 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। जी विवेक, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी कंडीशन चेक करें, ये काफी जो है वो एक ठहर गया है। इसको हम अब इसे उतार लेंगे अच्छी तरह। काफी सख्त इसीलिए हो गया है कि ये बर्फ डालने से जो है वो काफी हद तक अच्छी पोजीशन में आ चुका है। इसको अच्छी तरह हमने साफ कर लेना है। हमने अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसको साइड से कर देंगे हाथ की मदद से जो है, इसके ऐसे गोल गोल से देखे बॉल्स बना लेने हैं। हमें ऐसे ऐसे थोड़ा सा करेंगे तो इसका जो पानी है ना वो निकल जाएगा इसमें से। आप चेक करेंगे निकल रहा है पानी। किसी भी बॉल में आपने डालना है, जिसमें भी अगर तो आपने मक्खन यूज करना है तो वो आप ऐसे बर्तन में डाल लें। ये देखिए गर्मियों में मक्खन ज्यादा दिन जो है वो ठीक नहीं रहता, तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें मैं मक्खन निकालूंगी 2-3 दिन के इस्तेमाल के लिए, और बाकी जो है वो मैं उसका घी बनाऊंगी। तो अब मैं इसको बर्तन में डाल लेती हूँ देचकी में। कोई भी आपके पास स्टेनलेस स्टील का है, नॉन स्टिक है, जो भी है हम उसमें डाल लेंगे और फिर इसका मक्खन निकालेंगे। सारा मक्खन निकाल दू फिर आपसे मिलती है। जी व्यूअर, तो मक्खन हमने सारा निकाल लिया है और मैंने इसको नॉन स्टिक पैन में डाल लिया है। अब हम इसके लाइट जलाएंगे, बहुत ही हल्की सी हमने इसमें आग जलानी है और इसको स्लो स्लो जो है वो पकने देना है। तो आई होप तो कि मैं आपको इसकी आंच जो है वो दिखा सकूं। बिल्कुल स्लो आंच हमने इसकी रखनी हो और इसको ऑलमोस्ट 1 घंटा जो है वो लग जाएगा। जी विवर्स, मक्खन हमारा अच्छी तरह मैरिज हो गया है। अब आप इसमें चम्मच चला सकती हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो इसको आप चेक कर सकती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये जो वाइट वाइट सा है ये नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद जो है ये मक्खन हमारा सॉरी मक्खन नहीं घी हमारा जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएगा। ये वाइट वाइट जो है ये एक्स्ट्रा लेफ्ट ओवर कहने की चीज़ें हैं जो इसके नीचे पैंदे में बैठ जाएंगे। तो आँच इसकी हमने स्लो ही रखनी है, बिल्कुल भी तेज नहीं करनी, नहीं तो ये जो वाइट चीज़ है ये जल जाती है और तेज हमारे देसी घी में से भी जो है वो जलने की स्मेल फिर कभी भी नहीं जाती, तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना। जी विवर, इसमें बॉयल आ रहे हैं जी, जो जो वाइट वाइट सा चीज़ है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, तो हमने इसको जो है वो अच्छी तरह पकने देना है। जी विवर, अब आप इसकी लुक देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त येलोश कलर आ चुका है और खुशबू इसकी बहुत प्यारी आ रही है और ये तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। इसका वाइटिश वाइटिश जो ऊपर इसकी लेयर थी वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, ये थोड़ी सी रहेगी है ये भी कम्प्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। ये जो लेफ्ट ओवर पीसेज हैं ये थोड़े थोड़े ब्राउन भी हो जाएंगे तो कोई इशू नहीं है इसका, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब नीचे बैठ जाएंगे और घी जो है वो हमारा बिल्कुल ऐसे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको फिर ठंडा होने के लिए रखेंगे। जी विवर, देसी घी हमारा तैयार हो चुका है। अब फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ और इसको अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। जी विवर, देसी घी हमारा मुकम्मल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे और किसी भी बर्तन में हम इसको डाल सकते हैं। यह मैंने प्लास्टिक का डब्बा लिया है, उसके ऊपर मैंने छाननी रखी है ताकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें ना इसकी बबल्स वगैरह वो जो है वो ऑयल में ना जाए, इसको एहतियात से हमने इसमें डालना है। कलर देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त येलोश कलर आया है जो कि प्योर देसी घी का होता है। ये देखें बहुत अच्छी तरह हमने इसमें डाल लिया है, लेकिन अभी भी इसमें ऑयल बाकी है तो आपने चम्मच से इसको दबा दबा के जो है
इसमें से निकाल लेना है। ये सारा जो वाइट शक्कर है ना इसका बचा हुआ हमारे पास, ये फुल ऑफ ऑयल ही है, इसमें बहुत ऑयल है। इसको अच्छी तरह हमने निकाल लेना, इसे दबा दबा जी। बिल्कुल देसी घी हमारा बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही जबरदस्त बना है, बहुत ही शानदार और खुशबूदार बना है माशाल्लाह से। तो आपने जो है घर में मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।